मोदी सरकार के 4 साल पूरे होने पर पूरे देश में केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाने का दौर लगातार जारी है। इसी क्रम में राजस्थान भाजपा की प्रदेश उपाध्यक्ष राजकुमारी गिरी ने चंपावत में सरकार की उपलब्धियां गिनाने का काम किया। उन्होंने कहा कि गरीबों के जीवन में अमूलचूल परिवर्तन हुआ है। जनधन योजना और उज्ज्वला योजना देश की तस्वीर बदल कर रख डाली है। पहले तो आम जनता को बधाई देना चाहती हूँ कि मोदी जी ने जो 4 साल में काम किया है वो बहुत ही सराहनीय है। उन्होंने जो खाते हमारे नहीं खुलते थे, जनधन योजना, भारत स्वच्छता अभियान और सौभाग्य योजना, इंद्रधनुष योजना और हमारे जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और किसान बीमा योजना और हमारे आम व्यक्ति को बीमा की योजनाएँ मिलें, सबको आवास योजना और हमारे जो सैनिक फौज में जो रहते हैं, जो एनडीए की सरकार में यूपी की सरकार में जो पहले हमारे सैनिकों की पोटली बांध के जो आ जाते थे उनको, उन्होंने उन शहीदों के नाम से वो होता नहीं था, उनका ये था कि फला कर्नल मर गए, उनका शहीद हो गए और उनको वहीं से नमन होता था। हमारे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने हमारे पार्थिव शरीर को घर तक, जो हमारे शहीद होता था बॉर्डर पे, उसको घर तक पहुँचाने की वो दिया। और माननीय मोदी जी ने सैनिकों का जो सम्मान किया, वन रैंक वन पेंशन, और दूसरा मैं कहना चाहूँगी कि महिलाओं के प्रति उन्होंने जो मुस्लिम महिलाओं के प्रति 3 तलाक का जो मेन है वो उन्होंने किया है। आप कैसे देखते हैं, मतलब 2019 के चुनाव में सारे विपक्षी एक हो रहे हैं, उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्योंकि कर्नाटक में सब एक हुए और उन्होंने मिलजुल के सरकार बना ली, सबकी विचारधारा अलग थी लेकिन फिर भी उन्होंने सरकार बना ली 2019 में। कैसे ऐसा है कि जनता की आंखें खुली हुई है।